तो सोशल क्लास डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन चाइल्डहुड हुड सोशल ये तो मानी हुई बात है और ये कोई नई बात नहीं है और उसके साथ ही अचीवमेंट की एजुकेशनल अचीवमेंट की बात भी आ रही है कि सोशल क्लास और एजुकेशनल अचीवमेंट्स का आपस में वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश बट एक्सप्लेनेशन फॉर द गैप बिटवीन द टू लेट्स सोशल क्लासेज Is uh, debatable and it is debated. So, is this gap due to the processes that occur outside school, that is uh, parenting and socialization, or is it because of uh, the school itself that produces the social class gap? So, other side is the school system itself is responsible in perpetuating class inequality. तो ये सिस्टमिक की बात आ रही है सिस्टम की बात आ रही है तो दे ब्लेम द सिस्टम ऑफ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ओके द प्रैक्टिस विद इन स्कूल विद रिस्पेक्ट टू ट्रैकिंग एंड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन पहली बात है कि रिसोर्स स्कूल के पास क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसकी बिल्डिंग कैसी है अदर फैसिलिटीज़ कैसे हैं लेबॉरटरीज कैसी हैं है, फिर उसके बाद आ रही है बात के से ऑपरेशनल थिंग्स के जो टीचर्स हैं या अमला जो है वो कैसे बच्चों को डिफरेंट ट्रैक्स पे लगाता है कि ये ट्रैक जो है वो लट से लो क्लास के लिए है ये अपर क्लास के लोगों के लिए है ये मिडल क्लास के लोगों के लिए है सो दैट इज़ देर सो लेट अस लुक एट दिस प्रोसेस दैट अकर इन द स्कूल सिस्टम तो बेसिक आइडिया यही है कि सिस्टेमिक डायनामिक्स दैट शेप स्कूल सोशल क्लास डिफरेंसेस एंड इनक्वालिटीज़ इन एजुकेशन अब यहाँ पर अगर देखें तो स्कूल जो हैं उसमें फ़र्क आ रहा है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क आ रहा है उनके क्वालिटी ऑफ स्टाफ में फ़र्क आ रहा है जो लो क्लास के स्कूल्स हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और किस्म का है और वहाँ पर या तो स्टाफ है नहीं अगर है भी तो शायद लोअर क्वालिफ़िकेशन का है तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इन यूरोप इट इज़ ऑर्गेनाइज एट नेशनल लेवल के ये नेशनल लेवल पर सारे स्कूल अरेंज होते हैं तो द प्रिंसिपल ऑफ लोकलिज्म गाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ़ एजुकेशन इन यूएसए यूएसए में लोकल बोर्ड्स हैं लोकल कम्युनिटीज हैं जो उसको हैंडल करती हैं पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में आजकल प्रोविंशियल लेवल पर ये सारी चीज़ें अरेंज होती हैं बट डेफिनेटली देर वेरिएशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाइटी ऑफ फैक्टर्स लाइक रूरल अर्बन में फ़र्क आ रहा है मोर और लेस डेवलप्ड एरियाज में फ़र्क आ रहा है सोशल क्लास ऑफ द लोकेलिटी की बात आ रही है लोकल लीडरशिप क्या है पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं किस इलाके को लेट्स से डेवलप किया जा रहा है किसको नहीं डेवलप किया जा रहा कहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा खर्च हो रहे हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं तो ये वेरिएशन जो हैं ये क्रिएट करती हैं लर्न डिफरेंस इन द लर्निंग एनवामेंट और ये जो हैं दैट एक्चुअली अफेक्ट्स देयर डिज़ायर्स टू The desires of the students to learn, or actually, that is uh, to be considered as a uh, brutal kind of inequalities. So, differences in school resources translate into class differences in educational achievement. Uh, they, yeah, continue, karenge lower class ka school, jo hai wahan, lower quality ka infrastructure, hoga, lower quality ke teacher, honge, and that reproduce. Reproduces the uh, class system. So, poor environment in schools located in poor areas. So, this is a very So, social class disparities in educational environments are cause for concern. So, they both create different and unequal opportunities to learn and generate different and unequal desires to learn. तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो स्टूडेंट्स फिर समझते हैं कि हम डिज़र्व ही इतना करते हैं और वही हमें मिल रहा है तो so, एक पुरानी बात ऐसे चल रही है कि यू आर अगली सो वो क्राउड्स यू इन टू अगली प्लेस यू आर डर्टी सो इट विल नॉट हर्ट टू फैक्स यू इन द डर्टी प्लेसेस तो जैसे आप हैं उसी किस्म की आपकी आपको फैसिलिटीज दी जा रही हैं दैट इज़ देयर कोलमैन ने एक स्टडी की है फिफ्थ ग्रेडर्स की यूएसए में और उसका कहना यह था उसकी फाइंडिंग ये थी कि स्कूल करिकुलम रिसोर्स एंड फैसिलिटीज़ हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट ये उसकी थी बल्कि उसने ये कहा द स्टडी शोड द स्टूडेंट्स सोशल क्लास बैकग्राउंड एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ दिस स्कूल जिसके अंदर सोशल क्लास एंड एथनिक बैकग्राउंड आ रही है made the biggest difference in student achievement or yeoski uh, findings see which has been that's a question challenged and it has not been accepted many researchers have dismissed it so researchers and educators have been frustrated by their findings we see that teachers can't do much to change the income inequality in the country okay and to change the socio economic standings of the students in their classroom. So, this a rahi hai, ke system system, this is Again, there are both the viewpoints, and this is all debatable. It is impossible to say that the affluent schools, in and of itself, is simply because they are in the, located in the affluent area. उसकी वजह से जो है ये क्लास डिफरेंसेस आ रहे हैं आई थिंक दैट इज़ नॉट देयर ये इस ये ये दिस डिबेट कंटिन्यूज कि सिस्टम की वजह से हो रहा है या और फैक्टर्स की वजह से हो रहा है बट सिस्टम मे हैज़ ए प्रोमिनंट रोल टू प्ले इन द दर्पैचुएशन ऑफ द इनिकवालिटीज़ और द रिप्रोडक्शन ऑफ द सोशल क्लासेस